नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। हौसलों की मिसाल, साहस की मिसाल, एक ऐसी मिसाल जिसने दुनिया को दिखा दिया कि उसके अंदर, उसके भीतर आखिर क्या है। एक महिला जिसने कहा कि मैं सभी स्टीरियोटाइप्स को तोड़ दूंगी, और ऐसा ही उसने किया भी। आज वो लेडी सिंघम के नाम से कहलाई जाती हैं और हम सब, पूरा देश उन पर नाज करता है। वो CRPF में काम करती हैं और CRPF के भी कोबरा बटालियन में वो असिस्टेंट कमांडेंट हैं। हमारी आज की तेजस्विनी उषा किरण। वो दौर शायद अब खत्म हो गया है जब देश में महिलाओं को पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने की बात कही जाती थी। आज कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें महिलाएं पुरुषों से न सिर्फ आगे हैं बल्कि नेतृत्व भी कर रही हैं। ऐसी ही हैं CRPF की सबसे खतरनाक विंग कोबरा में बतौर असिस्टेंट कमांडर तैनात कमांडो उषा किरण। उषा किरण देश की पहली महिला हैं जिन्हें CRPF की इलीट कोबरा कमांडो फोर्स में बतौर अधिकारी तैनात किया गया। ये वो खतरनाक कमांडो फोर्स है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने में जुटी है। उषा किरण अपने परिवार से CRPF ज्वाइन करने वाली तीसरी पीढ़ी की हैं। मूल रूप से गुड़गांव की रहने वाली उषा किरण ने 25 साल की उम्र में CRPF ज्वाइन की। वो पहली महिला अफसर हैं जिन्हें बस्तर में तैनाती दी गई। फोर्स में एंट्री मिलते ही उषा की पहली पोस्टिंग दरभा में हुई। दरभा वही इलाका है जहां झीरम घाटी में एक साथ 29 से ज्यादा कांग्रेस के नेताओं की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। उषा एक पूरी कंपनी को लीड कर रही हैं। उन्हें कोबरा 206 बटालियन में पोस्टिंग मिली है। नक्सल इलाके में उषा किरण न सिर्फ जंगलों में सर्च ऑपरेशन कर AK-47 जैसे हथियारों से नक्सलियों से मुकाबला कर रही हैं, बल्कि सामाजिक जागृति फैलाने के काम भी इलाके में कर रही हैं। उषा यहां लोगों को सुरक्षा के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य और देश प्रेम जगाने का भी काम कर रही हैं। CRPF की इलीट कोबरा कमांडो फोर्स की पहली महिला अधिकारी उषा किरण है हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करते हैं उषा किरण से, जिन्होंने एक ऐसे प्रोफेशन में अपने आप को लेकर आई जहां महिलाएं नहीं जाती। बहुत बहुत स्वागत है उषा किरण आपका तेजस्विनी में। थैंक यू सो मच। तो आप CRPF की कोबरा बटालियन की असिस्टेंट कमांडेंट हैं और आप ऐसी पहली महिला हैं जी। क्यों आपने ये चुना और ये जो हौसला था ये कहाँ से आता है आपके भीतर? खैर, अगर हौसले की बात करें तो हौसला मुझे जरूर मेरे परिवार से मिला है, क्योंकि आज मेरे साथ मेरे परिवार की तीसरी पीढ़ी जो है वो CRPF में काम कर रही है। तो बचपन से ही एक कह सकते हैं कि आंतरिक जज्बा जो था, अच्छा, वो बचपन से ही आ गया था कि हाँ, हम ऐसा कुछ कर सकते हैं और ज़रूर कुछ कर जाएंगे। तो CRPF ज्वाइन किया। CRPF ज्वाइन करने के बाद पहले छत्तीसगढ़ में काम किया। जब छत्तीसगढ़ में काम किया तो हौसला और मजबूत हो गया कि अगर यहाँ कर सकते हैं तो कोबरा में भी कर सकते हैं। तो इसीलिए कोबरा बटालियन को ज्वाइन करने के बारे में सोचा मैंने जी। लेकिन आपसे पहले किसी ने ऐसा सोचा नहीं था? आप पहली थी जिसने कहा कि मुझे कोबरा बटालियन ज्वाइन करना है। कोबरा बटालियन जो कि एक इलीट फोर्स है और बहुत खतरनाक कारनामों को अंजाम देती है जी। तो आपको कभी भय नहीं लगा उसके बारे में सोच के? भय नहीं लगा, थोड़े कह सकते हैं कि हेजिटेशन दिमाग में थी कि पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। और कोबरा बटालियन का जो बेसिकली ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि उसको जस्टिफाई कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरी वजह से बटालियन कहीं वीक ना पड़ जाए, तो ये सब थोड़ी चीजें थी दिमाग में। पर लगा कि नहीं, कर लूंगी। और इन्हीं सब भी कह सकते हैं कि मानसिक उलझनों से लड़ते हुए फाइनली कोबरा में पहुंच गई। तो क्या आपने अपना चॉइस दिया था कि मैं छत्तीसगढ़ जाऊंगी, मैं नक्सल इन्फेक्टेड एरियाज में जाऊंगी? क्या ऐसा चॉइस आपने बोल के दिया था? हाँ, ऐसा चॉइस मैंने बोल के दिया था। क्या कहा था आपने? कि मैं जाना चाहूंगी नक्सल इन्फेस्टेड एरियाज में और मैं देखना चाहूंगी एक्चुअली कि कैसे वहां पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा होता है उसके बारे में, जंगल वॉरफेयर के बारे में काफी कुछ सीखा होता है। तो अगर आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं अपने जॉब में, तो मुझे लगा कुछ फायदा नहीं है उस ट्रेनिंग का।
तो जो मैंने सीखा है उसको अप्लाई करने के लिए मुझे एटलीस्ट वहाँ पे जाना है। या लेकिन ये बताइए कि कोबरा मतलब बटालियन में जाने के लिए जो ट्रेनिंग होती है जी, वो भी बड़ी दमदार ट्रेनिंग होती है और उससे आप पहली बार गुजरी होंगी क्योंकि आप पहली ऐसी महिला अफसर थी जिसने कहा कि मैं ज्वाइन करूंगी। एक्चुअली वो बहुत कंफ्यूजन का एक कह सकती हूँ मैं दौर था मेरे लिए भी और सीआरपीएफ के लिए भी। अच्छा, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि मुझे कोबरा जाना है और बोल दिया था कि ठीक है आप आ जाइए, पर अभी ट्रेनिंग करवाने वाले जो इंस्ट्रक्टर्स थे उस्ताद थे वो बड़े एक कह सकते हैं जद्दोजहद से गूंज रहे थे। ओहो। तो कि अरे भाई कैसे कराएंगे, लड़की कभी आई नहीं है, जो भी सिलेबस है सब लड़कों के हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। अच्छा, क्या कुछ करेंगे इसके साथ में, और ये पता नहीं कैसी होगी, आकर के बोलेगी मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, नहीं ये नहीं होगा मुझसे या वो नहीं होगा मुझसे। तो ये सब क्या कह सकते हैं कि जो शुरुआती जो उनकी उलझने थी, तो उन उलझनों से जूझते हुए किसी तरह कोबरा ट्रेनिंग स्कूल पहुंची मैं। और वहां पे जाके जब ट्रेनिंग शुरू की तो एक दो हफ्ते बाद मतलब उस्तादों को और सभी इंस्ट्रक्टर्स को समझ में आ गया था कि नहीं ये छोड़ के नहीं भागेगी कम से कम। तो इसके लिए हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है और जैसे लड़के ट्रेनिंग कर रहे हैं वैसे ये भी कर जाएगी। लेकिन वैसे जब ट्रेनिंग के दौरान भी लड़कियों के लिए पैरामीटर्स थोड़े से कम रखे जाते हैं लड़कों के मुकाबले, मगर आप ऐसी पहली महिला थी जो वहाँ ट्रेन होने जा रही थी, तो वो पैरामीटर्स लड़कों वाले ही उन्होंने रखे या थोड़े से कम किए थे आपके लिए? नहीं, कम नहीं किए गए एक्चुअली, वो लड़कों वाले ही पैरामीटर्स थे और यही मेरे लिए एक थोड़ा चिंता का विषय था कि पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज बहुत ही फिट कोबरा कमांडोज मेरे बगल में दौड़ रहे होते थे। बिल्कुल, तो उनकी बराबरी करते हुए दौड़ना है, पर एक दिमाग में फिर ये भी रहता कि अगर स्टैंडर्ड्स कम किए गए तो ऑपरेशंस में जब मैं उनके साथ चलूंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं वीक पड़ जाऊं उनसे। तो क्योंकि ग्राउंड में काम तो उन्हीं के साथ करना है तो उनके लेवल का फिजिकल फिटनेस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो जब इतनी टफ फिजिकल ट्रेनिंग आप ले रही थी उस वक्त कभी ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ गलती कर दी आके, या हमेशा आपको लग रहा था कि नहीं मेरा जो लक्ष्य है बिल्कुल मेरे सामने है? मेरे को लगता था ऐसा सुबह उठने के टाइम पे। अच्छा, डेली एक बार सुबह उठती थी 5 मिनट एक खुद से एक लड़ाई करती थी कि अरे क्यों आ गई मैं यहाँ पे पर वो बैरियर जब टूट जाता था उसके बाद दिन शुरू होता था, तो रात को बड़ी सुकून की नींद आती थी मेहनत के बाद कि हाँ आज कुछ अच्छा सीखा। तो आपके जो ऑफिसर्स थे वो किस तरह से ले रहे थे इन सब चीज़ों को, जब आप उनको अपनी ये मांग रख रही थी कि मैं या तो नक्सल इन्फेक्टेड एरिया में जाऊँगी या मैं नॉर्थ ईस्ट में जाऊँगी या मैं मुझे JNK में भेज दो? एक्चुअली मिक्स्ड रिएक्शंस थे, तो समझ नहीं आ रहा था कि कैसे। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट और JNK का सिचुएशन ऐसा है कि वहाँ पे लड़कियाँ हमेशा से काम करती रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, पहले फीमेल ऑफिसर्स ने और फीमेल जवान्स ने बहुत अच्छा काम किया है वहाँ पे, तो उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि ठीक है बोल रही है तो भेज देंगे। पर क्योंकि पहली इसकी चॉइस ये है कि इसको नक्सल एरियाज में जाना है, तो ऑब्वियसली थोड़े मिक्स्ड रिएक्शंस थे कि पता नहीं एक क्या एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं, करके देख लेते हैं, सक्सेसफुल हुआ तो आगे भी कैरी फॉरवर्ड होगा। तो उसी के चलते मुझे मौका दिया गया आने का और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपने सीनियर ऑफिसर्स का और CRPF का कि मुझे मौका दिया गया। अच्छा, आप महिला बटालियन जब शुरू में आपने महिला बटालियन में भी जाना पसंद नहीं किया जी, आपने कहा कि मुझे मेल बटालियन में भेजो, वो एक कह सकते हैं कि उस समय शायद एक नासमझी थी ये बोलना कि क्यों, जब ट्रेनिंग मैंने सब मेल ऑफिसर्स के साथ में की है और उनके बराबर की है तो क्यों मैं महिला बटालियन में जाऊँ, मैं कम नहीं हूँ ना तो मुझे भी ऐसी एक मेल बटालियन में जाना है। अच्छा, तो ये है, पर ये कह सकते हैं कि वो डिसीजन काफी फ्रूटफुल साबित हुआ मेरे लिए, बहुत कुछ सीखने मिला मुझे छत्तीसगढ़ में आकर के। अच्छा अच्छा, जब आप छत्तीसगढ़ में आई तो पहले आप दरभा में आई जो बहुत ही मतलब नक्सलियों का गढ़ माना जाता है जी, और आजकल आप सुकमा में तैनात हैं जी, है ना, तो जब पहली पहली बार वहाँ पहुंची थी उस वक्त के कुछ एक्सपीरियंस अपने बताइए। उस वक्त के एक्सपीरियंस कहेंगे तो बहुत ही रोमांचक अनुभव रहे हैं वहाँ के, और रोमांचक अनुभव दो तरीके से रहे, एक जो मैं अपने डिपार्टमेंट के साथ में मैंने फील किया और दूसरा जो वहाँ के गांव वालों के साथ रह करके मुझे महसूस हुआ। डिपार्टमेंट के साथ ऐसा था कि जो मेरे जवान थे या फिर जो कह सकते हैं कि मेरे साथ जो काम करने वाले लोग थे उनको ये विश्वास दिलाना कि नहीं मैं लड़की हूँ पर मैं ऑपरेशंस प्लान कर सकती हूँ और नहीं मैं आपको सेफली घर वापस ले आऊंगी, ये विश्वास उनके अंदर दिलाना तो ये एक मेरे लिए एक बड़ा मुद्दा था। और शुरुआती दौर में मैंने देखा था कि एक दो हफ्ते तक ऐसे रहा था कि मैं ऑपरेशंस प्लान करती थी और जवानों को समझाती थी कि भाई आज हम ऐसे जाएंगे, आज हम ये करेंगे, आज हम वो करेंगे, तो मैं वो असहमति जिसे कहते हैं डिसएग्रीमेंट, सेंस ऑफ डिसएग्रीमेंट उनकी आंखों में देख पाती थी।
साहब होते तो शायद थोड़ा ज्यादा अच्छा कर लेते थे, मैडम है पता नहीं क्या करेगी, तो ये रहता था दिमाग में। बट जैसे जैसे मेरे साथ काम किया तो वो भरोसा उनमें आ गया कि नहीं मैडम भी उतनी सक्षम है और हमें सेफली घर वापस ले आएंगी, ऑपरेशन प्लान किया है तो अच्छा प्लान किया होगा। तो ये एक्सपीरियंस डिपार्टमेंट के साथ रहा। और गाँव वालों के साथ में ऐसा था कि जंगल में जाते थे तो वहाँ के गाँव वालों को भी आदत है हमेशा वर्दी में लंबे चौड़े साहब लोगों को देखने की, तो उनमें कभी लड़की दिख जाती थी तो उनको विश्वास नहीं होता था, तो पलट के देखा करते थे लड़की है क्या। हम लोग कभी नाके ड्यूटी पे अगर खड़े हैं तो रात में किसी को गाड़ी वाड़ी को रोक के चेक किया तो अंधेरे में मेरी अगर आवाज कहीं से सुनाई देती थी तो लोग बाहर झांक के देखते थे लड़की की आवाज सुनाई दी गई यहाँ पे। तो ये कह सकते हैं कि लोगों में एक बड़े अचंभित थे ये देख करके कि नहीं सच में एक लड़की यहाँ पे आ गई है जो काम कर रही है, काम कर रही है। तो जो खास तौर से जो महिलाएं हैं उस एरिया में रहने वाली और लड़कियां हैं वो आपको किस तरीके से देखती हैं? वो बोल सकते हैं मैं कि एक बहुत ही आशा भरी नजरों से देखा करती थी कि उनको लगता था कि नहीं कोई तो है मतलब जो हमारे लिए भी आ गई है यहाँ पे। और हम लोगों को डर लगता था कैंप में जाने से और डर लगता था फौजी वर्दी देख करके, तो अब नहीं लगता है क्योंकि मैडम आती हैं हंसते हुए बात करती हैं और हालचाल पूछती हैं घर में क्या चल रहा है सब पूछती हैं, तो उन लोगों को भी अच्छा लगता था और खुश होती थी मुझसे मिल करके। कैंप में मिलने आती थी, घर से कुछ कुछ बना के लेके आती थी खाने के लिए। तो मतलब काफी आपका इंटरेक्शन बहुत वहाँ के लोगों के साथ रहता है। और लड़कियों को आप थोड़ा मदद भी करती हैं उनकी पढ़ाई में? पढ़ाई में एक्चुअली आसपास की जो लड़कियां थी तो जो कैंप में आया करती थी उनकी समस्या ये थी कि उनको एक लेवल के बाद में ट्यूशंस वहाँ पे नहीं मिल पाते थे। अच्छा। तो अब क्योंकि मैंने अब मेरी पढ़ाई साइंस से की है तो जो लड़कियां वहाँ पे साइंस ऑप्ट करती थी, साइंस का बेसिकली ज्यादा प्रॉब्लम था वहाँ पे, साइंस को पढ़ाने के लिए आपको ट्यूशन टीचर नहीं मिलता था जल्दी से, तो उनकी समस्याएं रहती थी, दीदी केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रही है तो या बायोलॉजी नहीं समझ में आ रही है, तो ठीक है जब मैं ऑपरेशंस नहीं कर रही हूँ और मैं कैंप में हूँ तो आप लोग आ सकती हैं अपनी समस्याएं लेकर के, तो आती थी तो उनको जो भी पढ़ाई में मदद मेरे से हो पाती थी मैं करती थी। जी क्या बात है। तो उषा किरण आज हमारे साथ हैं, उषा किरण जो कि लेडी सिंघम के नाम से जानी जाती हैं और सुकमा में इस समय तैनात हैं, कोबरा बटालियन की असिस्टेंट कमांडेंट हैं। इनसे हमारी बातचीत हो रही है और बातचीत के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए तेजस्विनी। जब बिजली का बिल भरना भूला था विपुल तब घर में हो गई थी बत्ती गुल। बिजली की कदर तो तुमने ही सिखाई है। दो दिन बाद जो घर में बिजली आई। मैं छोटी मोटी गलतियाँ करता हूँ लेकिन बड़े जिम्मेदारी से ना मुकरता हूँ। बीते नवंबर जब मैं हुआ 18 साल टाइम पर फॉर्म नंबर 6 भरा और कर लिया वोटर रजिस्ट्रेशन तत्काल। वाह बेटा। हर नागरिक जो January 1 तक पूरा करेगा 18 साल वो करवाए अपना रजिस्ट्रेशन हर हाल। और आप जैसे हर योग्य मतदाता को चेक करना है वोटर लिस्ट में अपना नाम, क्योंकि वही मतदाता वोट देकर आएंगे जो अपना नाम वोटर लिस्ट में पाएंगे। तो समय रहते पंजीकरण करना और वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करना भूले ना। याद रहे इस महात्योहार एक भी वोटर छूटे ना। वेरीफाई और रजिस्टर ऑन NVSP.in और कॉल वोटर हेल्पलाइन 1950। इनसे मिलिए। कई प्रॉपर्टीज के मालिक, कोई भी बड़ा शहर हो, कई बेनामी संपत्तियां हैं इनके पास जिन पर नाम किसी और का। शहर के बड़े कारोबारी हैं, अरबों के मालिक, लेकिन कागज पर सिर्फ एक बिजनेस है इनके नाम, बाकी सब कुछ बेनामी। और इनका लॉकर ज्वेलरी और कैश से भरा हुआ है लेकिन लॉकर पर भी नाम किसी और का। वास्तव में ऐसे बेनिफिशियरी ओनर्स अपनी काली कमाई छुपाने के लिए भोले भाले लोगों व उनके नाम का इस्तेमाल करते हैं और कानून की आंखों में धूल झोंकते हैं, और यही कुछ लोग सारे समाज को दूषित भी करते हैं। लेकिन अब बेनामी संपत्तियां ज्यादा दिन तक छुप नहीं पाएंगी। अब तक 6,900 करोड़ रुपए से अधिक की बेनामी संपत्ति आयकर विभाग द्वारा अटैच की जा चुकी है। याद रखिए, बेनामीदार व्यक्ति, बेनिफिशियरी ओनर्स और बेनामी लेन देन के लिए उकसाने वाले व्यक्ति सभी को जुर्माने के साथ 7 साल तक के कारावास की सजा हो सकती है और बेनामी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। ध्यान रहे, बेनामी संपत्ति मुसीबत को बुलावा। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं?
वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। कई बीमारियां बिना बताए ही आ जाती हैं। सालों तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको ये बीमारी है, जैसे ब्लड शुगर की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर। और ये आपकी कमाई, मन की शांति, सब कुछ खत्म कर सकती है। और हाँ, अगर आप स्वस्थ दिखते तब भी जरूरी नहीं कि आप इन बीमारियों से मुक्त हैं। इसलिए नियमित स्वास्थ्य जाँच और डॉक्टर से उपचार करवाते रहिए। रोज संतुलित आहार लीजिए, व्यायाम कीजिए और तंबाकू और शराब से तो दूर ही रहिए, वरना सावधान, ये बीमारियां किसी को भी हो सकती है, आपको भी। अगर आपकी उम्र 30 साल या उससे ज्यादा है तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और कैंसर की मुफ्त जांच जरूर करवाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। भारत सरकार का अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय सीखो और कमाओ और गरीब नवाज कौशल विकास योजना के तहत एक सैनिटरी सुपरवाइजर्स की टीम तैयार कर रहा है, जिसमें लाखों युवा साफ सफाई के आधुनिक तरीके सीखकर काम भी पा रहे हैं। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री का मिशन स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। दीदी ये देखो, H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। तेजस्वी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ CRPF की कोबरा बटालियन की असिस्टेंट कमांडेंट उषा किरण है। तो उषा, जिस तरह से आपने बताया कि आप वहाँ की लड़कियों को और खास तौर से जो महिलाएं उनके साथ में काफ़ी इंटरेक्शन रहता है, लेकिन ये बताइए कि नक्सलियों से पाला पड़ा है आपका? पड़ता ही रहता होगा वो, बेसिकली अब इट्स पार्ट ऑफ जॉब, तो पाला ज़रूर पड़ता रहता है, तो उसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता है। हालात सुधर रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्दी हमारी तरह ही वहाँ के क्षेत्र भी हो जाएंगे। तो क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से अब हम सुनते हैं आए दिन मुठभेड़े होते हैं, जिस तरह की लैंडमाइंस वहाँ बिछाई जाती हैं, जब आप ऐसे इलाके में ट्रैवल करती हैं, जाती हैं, खोजी अभियान में चलती हैं, उस वक्त दिल में क्या महसूस होता है? दिल में एक्चुअली यही रहता है कि आपके साथ में आपकी एक पूरी टीम चल रही है और वो पूरी टीम इस भरोसे पे आपके साथ बाहर निकली है कि आप उन्हें सेफली घर वापस ले आएंगे, तो एक बड़ी जिम्मेदारी है ये। और उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका ऑपरेशन कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आप जिस काम के लिए निकल रहे हैं उस काम को पूरा करिए और पूरा करके सेफली अपने जवानों को जितने लेके गए थे उतने वापस लेकर के आइए, सुकून से सब लोग घर पे आकर के अपने घर वालों से बात कर पाए। तो ज़रूर ये टेंशन दिमाग में रहती है चलते समय, और क्योंकि आप कमांडर हैं तो आपके ऊपर ये प्रेशर और ज़्यादा रहता है, क्योंकि एक एक जवान जो है वो हर एक डिसीजन के लिए, हर एक कदम के लिए आपकी तरफ देखता है आशा भरी नजरों से। इस दौरान कोई ऐसा अनुभव आपकी जिंदगी से होकर गुजरा हो जो हमेशा याद रहेगा? एक इंसिडेंट मैं बताना चाहूँगी, जब मैंने नया कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में कदम रखा था, तो एक ऑपरेशन पे हम लोग बाहर निकले हुए थे और वो रात का ऑपरेशन था। अच्छा। तो बहुत ही, जिसे कहते हैं, घनी काली रात थी वो, और पहला ही मेरा रात का ऑपरेशन था मेरे करियर का। तो उसमें चलते चलते क्या हुआ कि एक जवान जो मेरे आगे चल रहा था उसके बैग से लग के एक झाड़ी मेरी आँख में आके लग गई। तो वो झाड़ी जब मेरी आँख में लगी तो मुझे महसूस हुआ कि कुछ शायद मेरी आँख में गिर के टूट गया है, और बहुत ही, जिसे कह सकते हैं, नहीं बर्दाश्त करने वाला दर्द मुझे वहाँ पे होने लगा। पर बात ये थी कि बहुत रात थी और हम लोग एक ऑपरेशन में बैठे हुए हैं, तो आप नहीं चिल्ला सकते हैं, आप ना ही टॉर्च जला कर ये देख सकते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो आपको सुबह होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये समझ में आया कि आप कमांडर हैं तो आप ये भी नहीं कर सकते कि नहीं मुझे ये कुछ हो गया है भाई, ऑपरेशन को पोस्टपोन कर दो, अब ख़त्म करो, मुझे वापस जाना है, आपको ख़त्म करना पड़ेगा।
तो पूरी रात मैं उस दर्द को लेकर के बैठी रही और मेरी आंख से लगातार पानी बहते रहा, पर मैं ये भी नहीं देख पा रही थी कि एक्चुअली हुआ क्या है। सुबह होने पे कैंप आने तक मुझे ये नहीं पता था कि मेरी आंख में क्या हुआ है, ये समझ में आ रहा था कि कुछ दर्द है। वापस आने पे देखा तो मेरी आंख पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और समझ में आया कि कुछ लकड़ी का टुकड़ा टूट के उसके अंदर फंस गया था। और वो सब हो जाने के बाद में जब बैठ के मैं सोच रही थी तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि आप जब इस तरह के ऑपरेशंस पे या इस तरह के अभियानों में जाते हैं तो आपको अपना कंफर्ट लेवल जो है वो त्याग देना पड़ेगा। वो सीख मुझे उस दिन मिली कि अगर आप दर्द में भी हैं तो आपको दर्द में काम करना पड़ेगा, और क्योंकि आपके जवानों की ज़िंदगी आपके ऊपर निर्भर है तो आपको हमेशा मोटिवेटेड भी दिखना पड़ेगा। तो आपके इसी जज्बे को हम सलाम करते हैं। थैंक यू मैम। तो उषा, जब इस तरह की हालातों में आप रहती हैं, कितने कितने दिन आपको जंगल में गुजारने पड़ते हैं? डिपेंड करता है कि आप कितने लंबे ऑपरेशंस के लिए निकले हैं। तो मतलब जंगल में अंधेरी काली रात में आसमान के नीचे आप लोग होते हैं? हाँ। न खाने का पता है, ना वॉशरूम का पता है? हाँ। बीइंग अ लेडी, किस तरह की दिक्कत स्पेशली आपको आती होगी वहाँ? खैर, वॉशरूम का एक इशू हम बोल सकते हैं कि है, पर उसको फील्ड में जाकर के आप इशू नहीं बताएंगे, क्योंकि आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप लेडी हैं और अगर आप ऑपरेशंस में अपनी मर्जी से जा रही हैं वो भी, तो आप ये चाहें कि सरकार आपको जगह जगह पे वॉशरूम्स बना करके देगी या क्या बोलते हैं सुलभ शौचालय बना करके दे देगी जहां आप जा सकते हैं। ये थोड़ी चीज़ें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी वहां पे, तो इसको कॉम्प्रोमाइज़ करना भी नहीं कहेंगे, इट्स पार्ट ऑफ योर जॉब बेसिकली। तो जब आप रात को सोते हैं तो क्या बिछा कर सोते हैं? एक प्लास्टिक शीट। तो आप दिल्ली और गुरुग्राम में पली बढ़ी, एक कंफर्टेबल लाइफ में पली बढ़ी जी, तो आपने कहा कि कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है अपनी इसके लिए, तो कभी कभी आप मिस नहीं करती अपनी उन चीज़ों को? जब बहुत दिन हो जाते रहते रहते तो कभी कभी याद आती है कि पहले वहाँ थी तो ये सब था, मतलब बिल्कुल एयर कंडीशन रूम हुआ करते थे, बाहर निकले तो मॉल्स हुआ करते थे, यहाँ पे रहेंगे तो आपको अखबार भी नहीं मिलेगा टाइम पे, तो ये सब चीज़ें कभी कभी याद आती हैं। और कड़क सर्दी और कड़क गर्मी और बरसात, बिल्कुल बिल्कुल वो सब आपको झेलना पड़ेगा। ये सभी चीज़ें आपके ऑपरेशंस के आगे सेकेंडरी होती हैं। अगर ऑपरेशन प्लान हुआ है तो सर्दी गर्मी हो या बरसात हो आपको जाना पड़ेगा। लेकिन ये बताइए कि जो घर में माँ रहती है उसको क्या कुछ अपनी बेटी की फिक्र रहती है? माँ को बहुत ज़्यादा फिक्र रहती है और वो मेरी माँ नहीं, किसी की भी माँ रहेंगी। बिल्कुल। मैं तो चलिए एक तरह से कह सकती हूँ कि मैं एक सिक्योरिटी फोर्स का हिस्सा हूँ, तो मेरी माँ शायद हो सकता थोड़ी ज़्यादा चिंतित हो, पर एक लड़की जो नॉर्मल किसी ऑफिस में काम करती है उसकी माँ भी शायद उतनी चिंतित रहती है जब तक बेटी सेफली घर वापस ना आ जाए। और आज भी ऐसा ही होगा, जब तक मैं घर नहीं पहुंच जाऊंगी तब तक मेरी मम्मा को टेंशन रहेगी कि पता नहीं कहाँ है, सेफली आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी बेटी छत्तीसगढ़ में काम कर रही है और वो रात रात भर वहां भी रह लेती है, तो यहाँ भी आ जाएगी सेफली। तो माएं ऐसी होती हैं। लेकिन वहाँ पे फोन की भी वो सुविधा इस तरह से नहीं होगी जिस तरह से अब यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं, माँ को इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई पहुंच गए। तो ये सारी चीजों को कैसे कोप अप करती, मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे कि मेंटली इतनी स्ट्रांग कैसे आपने अपने को बनाया है? मतलब ताकि हम लोग भी आपसे कुछ सीख सकें। मेंटली स्ट्रांग मैं ये कहूंगी कि आपको थोड़े बैरियर्स जो हैं वो तोड़ने पड़ेंगे अपने दिमाग से। कि अगर फोन आपको दो दिन नहीं भी मिल रहा तो भी काम चल जाएगा, कोई बात नहीं है। और ठीक है, आपके पेरेंट्स को आदत हो जाएगी, जैसे मेरे पेरेंट्स को आदत हो गई है कि ठीक है अगर जंगल में है तो शायद दो तीन दिन बाद फोन कर लेगी खुद से। अच्छा। तो वो परेशान तो होते होंगे शायद, बट फिर भी मैनेज कर लेते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उनका सपोर्ट है जिसकी वजह से मैं मेंटली ज्यादा स्ट्रांग हूँ। अगर वो लोग परेशान रहते बहुत ज्यादा और हर वक्त मेरे क्या बोलते हैं वेलबींग को लेकर के चिंतित रहते तो शायद मैं उतने अच्छे से अपने काम को नहीं कर पाती। बिल्कुल। और हम जानते हैं कि आपके जो पति हैं वो भी इसी फील्ड में हैं जी, तो कोबरा बटालियन में ही उनसे आपकी मुलाकात होगी और आपने जी हाँ शादी कर ली? जी हाँ, छत्तीसगढ़ में ही उनसे मुलाकात हुई। मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं। अच्छा, तो डॉक्टर होने के नाते तो वो तो ऑपरेशंस में नहीं रहते होंगे? नहीं, ऑपरेशंस में नहीं रहते हैं। वो हेडक्वार्टर्स में रहते होंगे जी। तो मतलब आप ऑपरेशंस में और वो हेडक्वार्टर्स में, तो लोग कहते नहीं है कि उल्टा होना चाहिए था? लोग एक्चुअली कहते हैं कि थोड़ा ये रोल रिवर्सल हो गया है। क्योंकि और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि लोग इमेजिन नहीं करते कि लड़की जो है वो डॉक्टर या टीचर बनने को छोड़ करके कुछ और भी कर सकती है। तो अब लड़की ऐसे फौजी वर्दी पहन करके बाहर निकल गई है तो ये तो बड़ा ही अजीब सी बात है, ये कैसे हो सकता है? और वो भी एक डॉक्टर ने उससे शादी कर ली, तो डॉक्टर तो हमेशा डॉक्टर ढूंढेगा ना, वो क्यों ऐसी लड़की से शादी करेगा? तो ऐसे है।
पर मैं ये कहना चाहूंगी कि डॉक्टर्स की भी लाइफ बड़ी चैलेंजिंग है फोर्सेस में, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी लगातार इवैक्यूएशंस में रहते हैं. ऑपरेशंस का हिस्सा वो नहीं है क्योंकि वो उनका काम नहीं है, पर हमारे जवान जो इंजर्ड हो जाते हैं उनको इवैक्यूएट करना, उनको सही सलामत हॉस्पिटल पहुंचाना, टाइम पे उनको मेडिकल फैसिलिटीज देना, ये सब उनके काम है. तो वो आपके उस पूरे जज्बे को और प्रोफेशन को, जिस तरह से आपने अपनी चॉइसेस रखी हैं लाइफ में अपने प्रोफेशन में, उसको कैसे देखते हैं और कैसे डील करते हैं? वो बहुत सपोर्ट करते हैं एक्चुअली, और अच्छी बात ये है कि वो इस फोर्स का हिस्सा है तो उनको पता है कि इस फोर्स में किस तरह की चीज़ें हैं, कैसे काम होता है, ऑपरेशंस किस तरह से किए जाते हैं और किस तरह का लाइफस्टाइल है. तो अब वो ये एक्सपेक्ट नहीं करते मुझसे कि हमेशा मेरी बीवी घर आ करके मुझे खाना बना करके खिलाएगी. कई बार ऐसा होगा कि वो नहीं आ पाएगी तो मुझे खुद बना के खा लेना है, तो इसके लिए लड़ाई नहीं करनी है उससे. कई बार ऐसा होगा कि मैं उससे फ़ोन पे बात नहीं कर पाऊंगा दो दो तीन तीन दिन, तो इसको लेकर के उस पे शक नहीं करना है कि वो क्यों नहीं मुझे फ़ोन कर रही है आजकल. तो ये सब चीज़ों के साथ वो कोप अप कर पाते हैं क्योंकि वो खुद एक फोर्स का हिस्सा है. जी अच्छा, जबकि आप फोर्स में आ गई और आपने जिस तरह का लाइफस्टाइल अपने लिए चुना, लेकिन इस बीच में एक जो शख्सियत है जो आपके भीतर है, जिसमें और भी बहुत सारे गुण हैं, हम जानते हैं कि आप कविता भी लिखती हैं. जी हाँ कविता लिखा करती थी असल में. अच्छा. अब वो क्या बोल सकते हैं, वो शौक अब थोड़ा सा पीछे छूट गया है. अच्छा. काम के चलते. पर अभी भी मन करता है कि अगर टाइम कभी मिले तो दो तीन लाइनें ऐसी दिमाग में आ जाएं. हाँ. और उनको कविता का एक रूप दे पाऊं. तो अगर हम कहें कि आप दो पंक्तियां जरूर हमें सुनाएं तो? अभी एक्चुअली मुझे नहीं दिमाग में कुछ आ रहा है. अच्छा, इस कविता के अलावा और क्या कुछ शौक हैं जो जिंदगी में साथ साथ चलते हैं, भले ही कुछ देर के लिए थोड़ा पीछे हो जाएं लेकिन चलते हैं? हाँ, मैं बताना चाहूंगी कि जब मैं पढ़ाई करा करती थी तो मेरा एक सपना हुआ करता था कि मैं कोरियोग्राफर बनूं. अच्छा. मतलब ये एक ऐसा सपना है जो शायद मैंने शेयर नहीं किया बहुत. अच्छा. सारे लोगों के साथ में. डांस का आपको? हाँ, शौक? मुझे डांस का बहुत ज्यादा शौक है. अच्छा. तो मैं कोरियोग्राफर बनना चाहती थी एक टाइम पे, मुझे बड़ा शौक था. अच्छा. और मेरी हैबिट ऐसी थी कि मैं ऐसे टीवी पे कुछ डांस फॉर्म देखती थी या कुछ गाना सुनती थी तो अपने आप हाथ पैर हिलने लगते थे. अच्छा. इस पे ये स्टेप करेंगे, इस पे ये करेंगे, इसको ऐसा कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं. तो वो हद तक सोचा करती थी. तो वो चीज़ अभी भी है अंदर, हालांकि उसको फॉलो करने का अब कह सकते हैं कि समय नहीं है मेरे पास, पर एक इच्छा है वो भी करने की. जी. और गाने के, गाने का साथ में? नहीं, गाना नहीं गा पाती मैं, मेरी आवाज बहुत ही ज्यादा खराब है. पर मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा गाना गाते हैं, इज वेरी गुड सिंगर. ओके. तो अब जबकि इतनी डिसिप्लिन्ड आपकी लाइफ है और बहुत सारी चीजें हैं जो जिंदगी में आदमी करना भी चाहता है, बहुत सारे पुरस्कारों से आपको नवाजा भी गया है, और जब आप यूनिफॉर्म में निकलते हैं क्या शान है आपकी. कमांडो लिखा है एक तरफ, जंगल वॉरियर लिखा है सामने, सुनहरे अक्षरों में किरण लिखा है. तो इतनी सारा जब आप निकलती हैं बाहर यूनिफॉर्म में, लोगों का क्या रवैया रहता है, बहुत वो किस तरह से देखते हैं आपको? मैं कहती हूँ बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ देखते हैं वो, और बहुत ही मेस्मराइज होकर के देखते हैं. ये यूनिफॉर्म ये नहीं कहूँगी कि मैंने ही पहली बार पहनी है, पर बात यह कि किसी लड़की को देख करके यूनिफॉर्म में हमेशा इज्जत बढ़ जाती है. तो ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे घरों की बेटियां जो हैं वो ऐसा कुछ कर सकती हैं. जब पिता ऐसा देखते हैं तो उनको लगता है कि मेरी बेटी जो है वो भी शायद ऐसा कुछ करेगी या वो भी शायद ऐसा कुछ बन पाएगी. मैं देखती हूँ माओं को जब वो कहती हैं कि बेटा आपके साथ एक सेल्फी लेना है, अपनी बेटी को दिखाना है. तो बेसिकली यही है कि अगर आप अपनी वर्दी से एक भी आदमी को इंस्पायर, एक भी इंसान को इंस्पायर कर पाते हैं फोर्स में आने के लिए, तो मुझे लगता है कि वर्दी का जो ये उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है. मैं इसी बात पे आना चाह रही थी कि बहुत सारी महिलाएं और लड़कियां हमारे प्रोग्राम को देख रही हैं, आप क्या कहना चाहती हैं उन सब से, और ख़ास तौर से अपना एग्जाम्पल देके उन्हें किस तरह से आश्वस्त भी करना चाहती हैं और रास्ता भी दिखाना चाहती हैं कि वो भी चाहें तो तमाम तरह के जालों को तोड़ कर आगे बढ़ सकती हैं? जी, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि बेसिकली एक स्ट्रांग वुमन को यूनिफॉर्म के साथ ही जोड़ के ना देखें कि अगर किसी ने यूनिफॉर्म पहना ही है तो ही वो एक स्ट्रांग वुमन है. कोई भी लड़की जो अपने पैशन को फॉलो कर रही है वो एक, मैं कहूँगी एक स्ट्रांग वुमन है वो. तो अगर आपका इच्छा है कि आप यूनिफॉर्म सर्विसेज की तरफ आना चाहती हो तो आप ज़रूर आइए. ये इट्स अ वंडरफुल फील टू ज्वाइन. अगर आप एडवेंचर लविंग हैं और आपको चाहिए ज़िंदगी में कुछ नया नया हर वक्त, तो आप ज़रूर आ जाइए यूनिफॉर्म सर्विसेज में. बहुत अच्छी जगह है ये, और मैं बहुत खुश हूँ अपनी यूनिफॉर्म को लेकर के, अपने प्रोफेशन को लेकर के. तो जो भी यहाँ पे आएगी बहुत, मैं कह सकती हूँ कि उसको लगेगा कि उसने ज़िंदगी में कुछ हासिल किया है. तो पर बाकी ये कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ यूनिफॉर्म सर्विसेज को ही फॉलो करें. अगर आप डांसर बनना चाहती हैं आप डांसर बनिए, अगर आप एक्टिंग करना चाहती हैं तो एक्टिंग करिए. किसी भी इंसान के ये कहने से कि नहीं ये प्रोफेशन में लड़कियों को नहीं जाना या ये प्रोफेशन उनके लिए अच्छा नहीं है या आपको सिर्फ डॉक्टर ही बनना है या आपको सिर्फ टीचर ही बनना है, उनके कहने से आप डॉक्टर या टीचर मत बन जाइए.
जी, और मेरे ख्याल से यही बात है जो हम सबको जाननी चाहिए और आपसे हमें सीखना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, हमें उम्मीद है और पूरी मतलब हम कह सकते हैं दावे के साथ कि आप और बहुत नए आसमान को छुएंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, तेजस्वी में आने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी उषा किरण, जो ये कहती हैं कि अगर आपका कोई पैशन है तो ज़िंदगी में उसे ज़रूर हासिल करने की तरफ कोशिश करिए, क्योंकि कोशिश करने से वाकई हम वो सब कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। अगले हफ्ते एक और तेजस्विनी से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।